रंजित को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। अजीत मलोरिया कोतवाली क्षेत्र के बाबुरपुर कस्बा में भटा रोड पर करीब रात्रि 10 बजे खूनी खेल हुआ। दो पक्षों में आपस में लाठी डंडे चले। हिमांशु द्विवेदी और शिवाजी दुबे की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने सैफई रेफर किया। लोगों की माने तो पुरानी रंजिश के चलते अंकित तिवारी ने शिवाजी दुबे को फोन करके बुलाया। वहीं पर घात लगाए बैठे उनके साथियों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें शिवाजी दुबे की सिर पर काफी गंभीर चोट आई, बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। प्रार्थी की तहरीर पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। शिवाजी दुबे के साथ अंकित तिवारी ने धोखाधड़ी कर बुलाया और उनके साथी बउआ तिवारी, दीपक सिंह, प्रशांत दुबे, विपुल अवस्थी, दिलीप राजपूत आदि लोगों ने मिलकर जान से मारने की नीयत से हमला किया और लहूलुहान कर मरणासन्न की स्थिति में छोड़कर भाग गए। शिवाजी के मित्र विजय जाटों को भी गाली गलौज की। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि चार टीमें दबिश के लिए लगे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या शासन पुलिस प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी पार्टी का भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें निम्न रंगदारी बलवा एससी एसटी जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। शिवाजी दुबे और बउआ तिवारी के बीच कई बार वर्चस्व को लेकर विवाद और कहासुनी हुई। क्षेत्राधिकारी भरत पासवान दबिश के समय ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे के घर में सर्चिंग के लिए घुसे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ब्लॉक प्रमुख ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिल। सर, क्या नाम है आपका? हिमांशु द्विवेदी। कहाँ के निवासी हो? विद्यानगर वाले। कल आपके साथ जो मारपीट की घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला? मारपीट घटना क्या, हम जितने लोग बैठे थे, हम मौसा और मेरा मित्र विजय कुमार, तो एक फोन आता है विजय तिवारी नाम से, कि बोले बाबरपुर आओ। बाबरपुर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जब सब पाँच सात लोग वहाँ घात लगा बैठे हुए थे। जब उससे बात हुई, जैसे ही पहुँचते हैं तो उसमें क्या नाम, अंकित तिवारी नाम से जो लड़का है, वो तमंचा से और डंडा लेके पोस्टर तिवारी एक बैठी, उसमें जैसे विपुल अवस्थी है और शांत पठान है और लड़का है क्या नाम, उससे दीपक सेंगर है और दो तीन लोग थे क्या नाम, दिलीप राजपूत करके था, उन्होंने लाठी डंडे से मार कर दिया। हाँ, छोटा ही सर। सर में कितने टन? सात टन। आप पहुँचल कर चाहे कैसे पहुँचे? मेरे घर वालों ने बोला किया गया तो वहाँ पर देख, वहाँ से देख सी एस सी आई जी थी, उसने कर दिया। एक घटना है, कल 29/30 की रात में 10:30 की, शिवाजी दुबे आजाद नगर अजीत मल के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक अजीत मल थाने में एक लिखित प्रार्थना दिया गया था कि मेरे साथ कौस्तुभ तिवारी, प्रशांत दुबे, विपुल अवस्थी, दीपक सेंगर, दिलीप राजपूत कुल पांच व्यक्तियों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसकी वजह से पैर उनका फ्रैक्चर हो गया। साथ ही साथ पहले जान से मारने की नीयत से फायर किया गया और उनके कुछ रुपये और चेन लूट लिए गए। इस सूचना पर उचित धारा में 147, 348, 349, 149, 325, 392 और 307 और 325 एस सी में अभियोग दर्ज किया गया है। थाना पुलिस द्वारा वहां के सीओ अजीत मल और एसएचओ अजीत मल के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश हेतु जा रहे थे, तो एक व्यक्ति विशेष के घर के बाहर ये आरोपीगण खड़े थे, इस पर इनको द्वारा तलाशी ली गई, मुलजिम नहीं पकड़ पाए। और दूसरी पार्टी को भी, पहले दूसरी पार्टी की तरफ से अंकित तिवारी हैं, उनके द्वारा भी शिवाजी दुबे और अन्य के खिलाफ पहले लिखित तहरीर एक अभी अभी दी गई है, जिसकी पहले नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ ये बताना कि सोशल मीडिया में एक रिटन तहरीर वायरल हो रही है, जिसमें सीओ अजीत मल और एसएचओ अजीत मल के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा हमें दी गई है, जिसकी जाँच यथाशीघ्र करते हुए जो सही होगा उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी।